Good morning, students. I'm Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to complete the second part of the story, The Bond of Love, lesson number 9, A Beehive, written by Kenneth Anderson. Now, yes, we are reading from we are reading at page number 115, 12th paragraph, 11th paragraph, sorry. The months rolled on, and Bruno had grown many times the size he has when he came. अब कई months जो हैं गुजर गए, rolled on गुजर गए, pass हो गए, और Bruno जो है वो जिस size का था उससे double size का वो अब हो गया. He had equaled the Alicetians in height and had even outgrown them. अब वो Alicetian की हाइट का हो गया है, इक्वल्ड मीन्स इक्वल हो जाना, इक्वल हो गया है, और एंड इवन आउटग्रोन देम, और उनसे भी अच्छा ग्रो कर गया है. बट वाज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल, परंतु वो जैसे पहला था, पहले था, उसी तरह से स्वीट है. मिस्चीवियस मीन्स शरारती है, और प्लेफुल है, और सबके साथ खेलता है. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो हम सबका बहुत प्रिय है. अबो ऑल ही लव्ड माई वाइफ, और इन सब से ऊपर वो मेरी वाइफ को बहुत प्यार करता था. एंड शी लव्ड हिम टू, और वो भी उसको बहुत प्यार करती थी. शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय. अब उन्होंने उसका नाम ब्रूनो से बाबा कर दिया, जो कि एक हिंदुस्तानी नाम है जिसका मतलब है स्मॉल बॉय. एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू. अब वो जैसे छोटे बच्चे करते हैं उस तरह से कुछ ट्रिक्स भी सीख गया, कर सकता था. एट द कमांड बाबा रसल, कि जब हम उसको बोलते थे बाबा रसल और बाबा बॉक्स, ही विगरसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल. ठीक है, वो तुरंत जो है वहां पर विगरसली मीन्स होता है बहुत जोर से, बहुत ही मीन्स बहुत ही विगरसली मीन्स बहुत ही स्पीडली. ओके, टैकल्ड एनीवन हु केम, कोई भी फॉरवर्ड कोई भी उसके आगे आता था तो वो उससे रफ एंड टम्बल यानी कि उससे कुश्ती लड़ता था. गिव हिम अ स्टिक, यदि हम उसको स्टिक देते थे, एंड से उसको कहते थे बाबा होल्ड गन, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और वो गन की तरह से स्टिक को आपकी तरफ पॉइंट करता था. आस्क हिम, उसे पूछो बाबा वेयर इज बेबी, बेबी कहाँ है. एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड अफेक्शनेटली अ स्टंप ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रो बेड. फिर वो उसके उसका जो स्ट्रो का बेड था, उस कंसील मीन्स छुपाना, उसके नीचे उसने बहुत केयरफुली उस एक वुडन स्टिक थी उसको छुपाया हुआ था. ठीक है, उसको निकालता. affectionately means बहुत ही lovable, प्यारे तरीके से. cradle होता है गोदी में झुलाना, उसको अपनी गोदी में झुलाने लग जाता था. but because of the tenants children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time. परंतु जो tenants के बच्चे थे उनकी वजह से poor Bruno उसको mostly बांधा जाता था, क्योंकि वो साइज में बड़ा हो चुका था. देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ, तब कहते हैं कि मैंने
मैंने और मेरी मेरे बेटे ने मेरी वाइफ को सजेस्ट किया, एडवाइस दिया, एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू, और फ्रेंड्स ने भी उसको एडवाइस दिया टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि मैसूर के जू में बाबा को दे दो. ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप इट होम, वो इतना बड़ा हो गया है कि अब उसको घर पर नहीं रख सकते. आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, इस एडवाइस के कुछ ही वीक के बाद शी एट लास्ट कंसेंटेड. कंसेंट मीन्स टू से यस, उन्होंने यस कह दिया हेस्टीली, एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड. हेस्टीली मीन्स रैपिडली, फास्टली, और इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज करे, अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू. जू के क्यूरेटर को, जो केयर टेकर होता है, उसको एक लेटर भेज दिया गया. डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या उनको अपनी कलेक्शन में एक टेम बियर चाहिए? ही रिप्लाइड यस. द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी एंड अ डिस्टेंस ऑफ 87 miles, एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ. और फिर जू ने एक केज मैसूर से एक लॉरी में वहाँ भेजा भेजा, लॉरी होता है गाड़ी को कहते हैं, और डिस्टेंस है ये 87 miles का, और बाबा को उसके अंदर पैक कर दिया गया. वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम उसको बहुत याद करते थे, बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, पर एक सेंस से हम सब रिलीव्ड थे, मीन्स आराम था हमें सोचकर, रिलीव थे. माई वाइफ वॉज कंसोलेबल, इनकंसोलेबल, पर हमने अपने आप को किसी एक पॉइंट पर रिलीव कर लिया था, पर मेरी वाइफ है वो इनकंसोलेबल थी, वो किसी भी तरह से अपने आप को रिलीव नहीं कर पाई. शी वैप्ड एंड फ्रेटेड, वो रोती थी एंड फ्रेटेड, अनहैप्पी, फ्रेटेड मीन्स अनहैप्पी, और अनहैप्पी थी. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, और कुछ पहले कुछ दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया. देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, और फिर उसने क्यूरेटर को बहुत सारे लेटर्स लिखे. हाउ वॉज बाबा, बाबा कैसा था? बैक केम द रिप्लाइज, वेल बट थ्रेटनिंग, ही रिफ्यूजेज फूड टू. फिर वहां से आंसर आया कि वो अनहैप्पी है और उसने खाने के लिए मना कर दिया है. आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैग्ड टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग. अब ये कहते हैं कि आफ्टर दैट, उसके बाद उनके जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो मैसूर में विजिट करने जा रहे थे, ठीक है, वर बैग्ड, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि जू में वो बाबा को देख कर आए, उससे मिल कर आए. दे रिपोर्टेड दैट, उन्होंने आकर रिपोर्ट की कि ही वॉज वेल, वो ठीक ठीक था, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, पर बहुत पतला दुबला और उदास दिख रहा था. ऑल द कीपर्स एट द जू सैड, कि जू में जितने भी कीपर्स थे वो कहते थे ही वॉज फ्रेटिंग, वो अनहैप्पी है. फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर. वो कहते हैं कि 3 months तक मैंने अपनी वाइफ को मैसूर विजिट करने के लिए उसको रिस्ट्रेन किए रखा, यानी उसको जो है मीन्स प्रिवेंट किया, स्टॉप किया उसको किसी तरह से कि वो वहां ना जाए मिलने. देन शी सेड, तब उसने कहा, वन डे आई मस्ट सी बाबा, आइदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन. सो आई टुक हर बाय कार. अब एक दिन उसने कहा कि मुझे बाबा को देखना है, चाहे आप मुझे अपनी कार में लेके जाओ, चाहे मुझे बस या ट्रेन में जाना पड़े, पर मैं जाऊंगी. तो वो उसको अपनी कार में लेकर गए. फ्रेंड्स हैज कंजेक्चर्ड दैट बेयर वुड नॉट रिकग्नाइज हर,
फ्रेंड्स ने उनको कंजक्टर्ड मीन्स टू गेस, उन्होंने अनुमान लगाया था कि बाबा उन्हें पहचानेगा नहीं. आई हैड थॉट टू सो टू, वो कहते हैं मैंने भी ऐसा ही सोचा, बट व्हाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बट जब वो उसके केज से कुछ ही यार्ड्स दूर थी, बाबा सो हर, बाबा ने उसे देखा एंड रिकॉग्नाइज हर, और उसको पहचान लिया. ही होल्ड, होल्ड होता है चिल्लाना, ही होल्ड विद हैप्पीनेस, वो खुशी के साथ चिल्लाने लगा. शी रैन अप टू हिम, वो उसकी तरफ भागी, पैटेड हिम टू द बार्स, और बार्स से ही उसको पैट किया. एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो अपने सिर के बल खड़ा हो गया अपनी खुशी जाहिर करने के लिए. फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स शी वुड नॉट लीव दैट केज. अब अगले 3 आवर्स तक, 3 घंटे तक उसने केज नहीं छोड़ा. शी गेव हिम टी, लेमोनेड, केक्स, आइसक्रीम्स एंड वट नॉट, और उसने क्या क्या उसको खाने को नहीं दिया ये सब. Then closing time आ गया, came and he had to leave, अब हमें छोड़ना था. My wife cried bitterly, और मेरी wife बुरी तरह से रो रही थी. बाबा cried bitterly, बाबा भी बुरी तरह से रो रहा था. Even the hardened creator, और जो creators हैं, hardened क्यों लिखा हुआ है कि जो बहुत strict जो होते हैं, and the keepers, ये felt और एक साथ हो गया है, keepers felt depressed, और even जो keepers थे वो भी बहुत दुखी feel कर रहे थे. As for me, पर मेरे लिए, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next, कि मैंने अपने आप को reconcile किया, मीन समझा लिया ये सोचकर कि नेक्स्ट क्या होने वाला है. ओह प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, उसने क्यूरेटर को कहा, मे आई हैव माई बाबा बैक, मुझे मेरा बाबा वापस चाहिए. हेजिटेंटली ही आंसर्ड, हेजिटेंटली मीन्स हेजिटेट करते हुए, हिचकिचाते हुए उन्होंने आंसर किया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू and is government property now. He ye zoo se belong karta hai aur ab ye government ki property hai. I cannot give away government property, main government ki property nahi de sakta. But if my boss the superintendent at Bangalore agrees, certainly you may have him back. Ab wo kehte hain yadi mera jo boss hai, जो कि सुपरिंटेंडेंट है बेंगलोर में, यदि वो एग्री करता है तो मैं आपको इसको वापस दे दूंगा. देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अ विजिट टू द सुपरिंटेंडेंट्स बेंगलोर. अब जो रिटर्न जर्नी थी वो बेंगलोर होकर हुई और सुपरिंटेंडेंट को विजिट किया गया. अ टीयरफुल प्लीडिंग, जो प्लीडिंग यानी रिक्वेस्ट हुई वो बहुत टीयरफुल हुई, आंसू भरी हुई. बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के बिना अनहैप्पी हैं. विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, प्लीज क्या आप उसे मुझे वापस दे दोगे. ही वॉज अ काइंड हर्टेड मैन एंड कंसेंटेड, और वो जो सुपरिंटेंडेंट था वो बहुत काइंड हर्टेड मैन था और वो मान गया. Not only that, or but he wrote to the curator telling him to the lend us a case for transporting the bear to Bangalore. Or उन्होंने कहा कि not only that, केवल इतना ही नहीं, परंतु उसने curator को ये भी लिखा, बताया कि Bangalore तक bear को case में transport किया जाए. बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, अब वो फिर से वापस मैसूर आ गए. आर्म्ड विद द सुपरिंटेंडेंट्स लेटर, सुपरिंटेंडेंट के लेटर के साथ, बाबा है ड्राइवन इनटू अ स्मॉल केज, बाबा को एक
एक स्मॉल केज में रखा ड्राइव किया गया एंड होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार और कार के टॉप पर रखा गया एंड द केज वॉज टाइड सिक्योरली एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड और एक सिक्योर और केयरफुल रिटर्न जर्नी बेंगलोर तक अकम्प्लिश हो गई. वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन अवर कंपाउंड. अब घर में वो आ गए हैं. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कुली की फौज यानी बहुत सारे कुली हैं वहाँ पर, उनको एंगेज किया गया हमारे कंपाउंड में किस काम के लिए. एंड आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा. बाबा के लिए कंपाउंड में एक आइलैंड बन रहा था. इट वॉज 20 फीट लॉन्ग था एंड 15 फीट वाइड था, चौड़ा था. एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट और चारों तरफ से वो ड्राई पिट होता है गड्ढा, ड्राई पिट से गड्ढे से वो सराउंडेड था. और मॉट 6 फीट वाइड और मॉट और 6 फीट वाइड था वो एंड 7 फीट डीप और 7 फीट डीप था जो वो पिट जो बना हुआ था, गड्ढा जो बना था, उसके यहाँ पर बात हो रही है. ठीक है. Then a wooden box that once housed falls was brought and put on the islands for Baba to sleep in at night. अब क्या हुआ, जो wooden box था That once housed falls, यानी कि falls होता है पिंजरा, जो कि एक पिंजरा था जिसमें बाबा को लेके आया गया था. Put on the island, सब island के अंदर उसको रखना था. ठीक है. बाबा to sleep in at night, जिसमें बाबा रात को सोएगा. Straw was placed inside to keep him warm, और उसके अंदर straw रखनी थी, नीचे बिछानी थी ताकि रात को वो गर्म रहे. एंड हिज बेबी द ग्रॉल्ड स्टम्प और उसका जो बेबी था, कौन सा, वो जो एक स्टम्प था, वुडन स्टम्प था जिसको लेकर वो पैदल करता था, अलोंग विद हिज गन और उसकी गन के साथ, वो भी वहां पर होने चाहिए. द पीस ऑफ बैम्बू जो कि एक बैम्बू का पीस था, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo. और वो दोनों बहुत sentimentally यानी बहुत भावना के साथ उनको सुरक्षित रखा गया था जब उसको zoo भेजा गया था. were put back for him to play with him. और वो सब जो है वापस means उसके साथ आ गए वो उसके खेलने के लिए. इन अ फ्यू डेज कुछ ही दिनों में द कुलीज होइस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड. और कुछ ही दिनों में उन्होंने, जो कुलीज हैं, उन्होंने उस पिंजरे को वहां पर रख दिया, आइलैंड में रख दिया और बाबा को रिलीज कर दिया. ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश था. स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स, अपने हाइंड लेग्स पर खड़ा हुआ. ही पॉइंटेड हिज गन, उसने अपनी गन पॉइंट की. एंड क्रेडल हिज बेबी, बेबी को क्रेडल किया. माय वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर देयर व्हाइल ही सैट ऑन हर लैप. और मेरी वाइफ वहां पर घंटों बिताती थी जबकि वो ही सैट ऑन हर लैप, वो उसकी लैप में बैठता था. He was 15 months old and pretty heavy too. वो 15 months का था और pretty heavy too, बहुत heavy था. The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. अब वो कहते हैं कि
द वे, वो तरीका जिससे मेरी वाइफ आइलैंड तक पहुंचती थी और फिर छोड़ती थी, वापस आती थी, इंटरेस्टिंग था। आई हैड टाइड अ रॉप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विद द लूप ऑफ इट्स एंड। वो कहते हैं कि मैंने एक रॉप जो कि मैंगो ट्री था वहां पर, ठीक है, उसमें लूप्स बनाकर उसको उसके साथ बांध दिया गया, रॉप को बांध दिया गया, ठीक है। पुटिंग वन फुट इन टू द लूप शी किक्स ऑफ विद द अदर। वो एक से दूसरे को किक करती टू ब्रिज द 6 फुट गैप। 6 फुट के गैप को जो बीच में था, जो जो मौत खाई जो बनी हुई थी उसको पार करके जब वो निकलती थी या जाती थी तो उस गैप को ब्रिज किया गया। दैट कंस्टिट्यूट्स द विथ ऑफ द सराउंडिंग स्पिट। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे। और इसी तरह से उसके वापस की जर्नी थी, यानी कि रस्सी रस्सी जो रॉक थी, ठीक है, मैंगो जो ट्री था उसकी ब्रांचेस के साथ रॉप्स बांधी गई थी और जिसमें लूप्स थे, उसको पकड़ पकड़ के वो, और जिसमें कि किक्स होते थे, यानी कि अपना पैर वो उसके अंदर रख सकती थी, उस तरह से वो अंदर जाती थी और वैसे ही वो बाहर आती थी। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बेयर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स। बट अब ऑथर हमसे पूछते हैं कि हु कैन से, कौन कह सकता है कि एक स्लॉथ बेयर में कोई सेंस ऑफ अफेक्शन नहीं होती, या कोई मेमोरी नहीं होती, या फिर कोई इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, ठीक है। एवरीथिंग एनिमल हैज, एवरीथिंग दैट अ ह्यूमन बींग हैज। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज ट्राई टू रीड इट योर सेल्फ स्टूडेंट्स। सेल्फ रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। थैंक यू। ओह यस, इट्स अबाउट द कैनेथ एंडरसन, द ऑथर कैनेथ एंडरसन। ही वॉज बॉर्न ऑन 8 मार्च 1910 इन बुलाजम एंड डाइड ऑन 30 अगस्त 1974। 64 के थे वो उस टाइम पे। बेंगलोर, बेंगलोर में, कर्नाटका इंडिया में है जो। ही केम फ्रॉम अ ब्रिटिश फैमिली एंड सेटल्ड इन इंडिया फॉर 6 जनरेशंस। वो ब्रिटिश के साथ यहाँ, ब्रिटिश से यहाँ पर आए, ठीक है, ब्रिटिश फैमिली से वो यहाँ पर आए और उनके 6 जनरेशंस इंडिया में ही रही। ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ नेचर। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर एंड ही यूजली वेंट टू द जंगल टू मेडिटेट एंड स्पेंड हिज टाइम विद अनटच्ड नेचर। जर्नली वो फॉरेस्ट में, जंगल में जाते थे मेडिटेशन करने के लिए, या जो अनटच्ड नेचर है यानी जहाँ पर ह्यूमन बींग्स बहुत कम जाते थे वहाँ पर वो जाते थे और घंटों वहां पर अपने बिताते थे। ही वॉज अ हंटर टू। वो हंटर भी थे। सो हिज स्टोरीज डिपिक्ट हिज हंटिंग एंड हिज एक्सपीरियंस ओवर देयर। और तो उनकी जो स्टोरीज है वो उनकी हंटिंग के एक्सपीरियंसेस को बताती है। ही रोट इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर एज वी हैव रेड इन दिस स्टोरी। वो बहुत एक डिस्क्रिप्टिव यानी पूरा वर्णन करके वो किसी बात को लिखते थे, एक्सप्लेनेशन के साथ लिखते थे जिससे कि वो अच्छे से समझ में आती थी, ठीक है। सो ये उनके बारे में है। और यस, ही कॉट अ स्लॉथ बेयर टू। सो यस, नाउ इट्स एंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।